विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब सभी राजनीति पार्टियां चुनाव की तारीखों का इंतजार कर रही है। वहीं दूसरी ओर लगातार नेताओं के दौरे का सिलसिला भी जारी है। इस कड़ी में एक बार फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रदेश के दौरे पर पहुंच चुके हैं। वो भरोसे के सम्मेलन में शामिल होने रायगढ़ पहुंचे हैं। उनके साथ सीएम भूपेश बघेल भी कार्यक्रम में शामिल है। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में बनने वाले जैतखाम का शिलान्यास किया। ये प्रदेश में 82 चयनित विकास खंड में से एक है। साथ ही 9,08,35,000 रुपए की सामग्री सहायता भी उन्होंने दी है। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ इन टुडे। भरोसे का सम्मेलन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने संबोधन की शुरुआत जय जोहार जय छत्तीसगढ़ मतधारी के साथ करते हुए कहा कि ऐसा सम्मेलन शायद देश के किसी कोने में किसी भाग में नहीं हुआ होगा। ये गर्व की बात है कि हर जगह भरोसे का सम्मेलन छत्तीसगढ़ में हो रहा है। इसका नेतृत्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि इसका नाम भरोसे का सम्मेलन ना होकर भरोसे के अनुष्ठान का सम्मेलन हो। छत्तीसगढ़ में ये अनुष्ठान सम्मेलन बड़ी संख्या में चल रहा है, इसके हित में काम हो रहा है। देश में सरकार दो लोग ही चलाते आए हैं, ऐसा खड़गे ने कहा। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में सरकार दो लोग ही चलाते हुए आए हैं, एक तो मोदी, दूसरे अमित शाह। इसके अलावा किसी को कुछ अता पता नहीं होता है कि राज्य में या देश में क्या हो रहा है। दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री को धमकी मिलती है कि हमारी बात नहीं सुनेंगे तो ईडी और सीबीआई के छापे पड़ेंगे। खड़गे ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब छत्तीसगढ़ आते हैं कांग्रेस सरकार को बदनाम करके जाते हैं, वे झूठ बोलते हैं, लोगों की जरूरत को समझकर बनाएंगे ये योजना, ऐसा खड़गे ने कहा। खड़गे ने आगे कहा कि हमने आम लोगों की जरूरत को समझकर योजनाएं बनाई है। इस योजनाओं से लाखों करोड़ों हाथों को काम मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विपरीत परिस्थितियों में भी छत्तीसगढ़ के विकास का काम कभी नहीं रोका। वहीं छत्तीसगढ़ में आज चारों तरफ विकास हो रहा है। हमारी सरकार लोगों को मजबूत बनाने के लिए काम करती है और आगे भी करते रहेगी। गोधन न्याय योजना के लघु उद्योग को मजबूती मिलेगी, वहीं गांव में रोजगार बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। 40 लाख से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आएंगे, ऐसा खड़गे ने कहा। मंच से खड़गे ने कहा कि 5 सालों में 1,75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा डायरेक्ट बेनिफिट योजनाओं में आम लोगों की जेब में डाले गए हैं। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में विगत 5 सालों में 40 लाख से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। खड़गे ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार जानती है, उन्हें पता है कि ज्यादा क्या करना है और कैसे लोगों को आगे बढ़ाना है। पहले 27 जिले थे, आज 33 जिले हैं। तहसीलों की संख्या भी बढ़ी है, लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। हमारी सत्ता सत्य का रास्ता है, ऐसा बघेल ने कहा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कला और संस्कृति के मुख्यालय हमारे रायगढ़ में आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे आए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के बाद खड़गे सबसे पहले रायपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन में आए हैं, तब से उनका लगाव छत्तीसगढ़ में बना हुआ है। अभी हमारे मुख्य अतिथि के हाथों से बाबा गुरु घसीदास जी का आस्था के साथ प्रतीक और गांव-गांव में निर्मित जैतखाम का शिलान्यास हुआ। सत्य के रास्ते में चलने का संदेश बाबा गुरु घसीदास जी देते हैं। सत्य के रास्ते को महात्मा गांधी ने भी बताया, सत्य का रास्ता हमारा रास्ता है। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, सभी का उद्देश्य हिंदुस्तान की जनता को ताकतवर बनाने का रहा। सीएम ने कहा कि हमारा एक ही उद्देश्य रहा है कि कैसे आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया जाए, महिलाओं के जीवन में कैसे परिवर्तन लाया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें किसकी सरकार को आप बनते हुए देखना चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ वन टुडे जरूर सब्सक्राइब करें।